ननद तो बहन निकली। दिव्या, दिव्या कहाँ रह गई? ये काम इससे ढंग से होता नहीं। अरे कहाँ रह गई? जी बस आपका टिफिन ही तो पैक कर रही थी। बोलिए। ये क्या है, कहाँ है मेरा सामान? मेरे सॉक्स कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरा सामान सब मेरे हाथ में दे दिया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पर मैंने यही तो रखे हैं आपके सॉक्स। अच्छा, इसका मतलब मैं अंधा हूँ, तुम यही कहना चाहती हो ना? वाह, यही संस्कार है तुम्हारे, पति को कुछ भी कह दो। नहीं जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, शायद मेरी गलती होगी। शायद बोल रही हो अभी भी? तुम्हारी ही गलती है, समझी? जल्दी करो, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? सॉक्स तो मेरे, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है मुझे। अभी देती हूँ, ये लीजिए। ये सॉक्स पहनता हूँ मैं, 2 साल हो गया हमारी शादी को, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन से सॉक्स पसंद है। पता नहीं माँ ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। एक मिनट, दूसरे निकाल देती हूँ, बस एक मिनट। रहने दो, मैं खुद ही निकाल लूंगा। अरे तुम्हारी दाल को इतनी सीटियां लग गई है, कहाँ रह गई? ये लो, अब ये मत कहना कि खाना भी जला दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका टिफिन तो मैंने तैयार कर दिया है, आपका नाश्ता भी तैयार है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जल्दी आ जाइए मतलब? अब तुम मुझे हुक्म दोगी कि मुझे जल्दी करना है या लेट? हाँ नहीं जी, मैं तो बस। क्या मैं तो बस? मेरी पत्नी हो तो झुक कर रहो, तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी, नहीं तो बैठी होती अभी तक बिना शादी के। इतना परिवार तुम्हें कहीं मिलेगा? ना हमने तुमसे कोई दहेज लिया, ना कुछ मांगा। इतना अच्छा कमाता हूँ मैं, इतना अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिला है तुम्हें, फिर भी जब देखो गलतियां करती रहती हो। जी अब जाओ भी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? नाश्ता लगाओ, आ रहा हूं मैं। जी जी। दिव्या और आकाश की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आकाश के मन में दिव्या के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। वो उसे खुद से बहुत कम ही मानता था और आकाश की माँ हर बात में उसका साथ देती थी। अरे इतनी देर ऊपर क्या कर रही थी? नीचे खाना क्या मैं बनाऊंगी? नहीं माँ जी, वो इनका सामान नहीं मिल रहा था तो। अरे तू सामान रखती नहीं ढंग से, तो मिलेगा कहाँ से? पता नहीं कितनी गलतियां करती रहती है पूरे दिन में, बेचारा मेरा बेटा सब कुछ सहन करता रहता है। अरे आप जल्दी कर, मेरा मुंह क्या देख रही है? नाश्ता लगा और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय भी बना देना। जी माँ जी। अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगा? ये लीजिए, आ गया आपका नाश्ता, आपका जूस, ये आपका पर्स, रुमाल, घड़ी, गाड़ी की चाबी। मेरे शूज पॉलिश कर दिए तुमने? अरे कहाँ, इसे कहाँ याद रहता है आकाश बेटा। अभी कर देती हूँ। मेरी चाय अभी तक नहीं बनाई। बन गई है माँ जी आपकी चाय, बस आप छान लीजिए, तब तक मैं इनकी शूज पॉलिश कर लेती हूँ। ये क्या तरीका है? माँ क्यों करेगी काम? हाँ तुमसे 2-3 काम भी नहीं होते ठीक से? नहीं चाय बन गई है बस। अरे रहने दे बेटा, आप जो है सो है, क्या कर सकते हैं, उससे आता नहीं तो सारे काम वैसे ही मुझे करने पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ चाय। दिव्या दिव्या, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, ये तो माँ और मैं अच्छे हैं कि तुम्हें कुछ कहते नहीं, नहीं तो कोई और ससुराल होता ना तो पता नहीं तुम्हें कितने ताने मार चुके होते। अरे अब क्या करे बेटा, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना इसकी तरह। सच कह रहा है आकाश, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें हम जैसे लोग मिल गए जो तुम्हें किसी बात के लिए कुछ कहते नहीं, नहीं तो जैसी तुम्हारी आदत है ना, सारा दिन सबकी डांट ही खाती रहती तुम। अरे अब जाओ, मेरे जूते पॉलिश कर दो, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी जा रही हूँ। कावेरी और आकाश की नजर में दिव्या कुछ भी नहीं थी, उन्हें लगता था कि वो उसे संभाल रहे हैं। दिव्या को उनसे अच्छा ससुराल कभी मिल ही नहीं सकता था, जबकि दिव्या की हर आजादी पर, हर फैसले पर उसके ससुराल वालों का ही राज चलता था। माँ जी मैं सोच रही थी शाम को वो मौसी जी की बेटी की शादी में मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ, मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मुझ पर अच्छी भी लगेगी। अरे दिव्या बहू, यह कैसा रंग है, है? बताओ, ये साड़ी पहनकर तुम मेरी नाक कटवाने की सोच रही हो क्या? इसे और आता ही क्या है माँ, ये बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है, ये साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पसंद करूंगी साड़ी, वही पहनकर चलना ठीक है? पर माँ जी मुझे साड़ी बहुत पसंद है और इसका रंग ना मेरा बहुत फेवरेट है, सच में ये मुझ पर बहुत सूट भी करेगी। अरे जब माँ कह रही है कि नहीं जचेगी तुम पर, तो बहस क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता ही क्या है, ना फैशन का पता है ना किसी रंग का, माँ जो कह रही है वो सुनो और वही साड़ी पहनो ठीक है? जी ठीक है।
बस यही यही देखो कैसे मुंह फुला रही है। इससे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। इसमें ऐसे मुंह क्यों लटका लिया जैसे मैं वो फिल्मों वाली सासों की तरह तुम्हें परेशान करती हूँ। माँ तो उल्टा तुम्हें सपोर्ट ही करती है। तुमसे कितनी गलतियां होती है फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहती और तुम हो कि हर छोटी बात में मुंह फुला लेती हो। अरे छोड़ ना बेटा, अब आजकल की लड़कियों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ इसका भला सोचने की, लेकिन क्या करें। ठीक है अब छोड़ो माँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ये ऐसी ही है, जाने दो। नहीं माँ जी सॉरी, अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा हो तो मैं वही पहनूंगी जो आप कहेंगी। आ जाओ कमरे में जाओ, मैं आती हूँ साड़ी पसंद करने। और सुनो वो काले रंग वाली चप्पल पहनना, ठीक है? पता चला पता नहीं क्या पहन लिया तुमने। जी ठीक है माँ जी। दिव्या को हमेशा यही जताया जाता कि उसे ज्यादा समझ नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। बात बात पे उसके फैसले को नकारा जाता था और कई बार आकाश उसकी सबके सामने बेइज्जती भी कर देता था। सुनो दिव्या, शाम को मेरे दोस्त सुनील और नीरज आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता और जूस तैयार रखना, ठीक है? जी जी, मैं उनके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बोल तो ऐसे रही है, न जाने क्या ही बनाने वाली है। देखो पहले से ही कह देता हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी जी, मैं सब कुछ अच्छे से बना लूंगी। ठीक है, तो शाम को मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। जी। आकाश शाम को अपने दोस्तों के साथ घर आता है। उसके आने से पहले ही दिव्या ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से टेबल पर सजा कर रखा था। अरे आओ आओ बैठो बैठो। अरे ये इतना सजा दजा के क्यों रखा है? ये गुलदस्ता और ये सब, हम मेहमान थोड़ी ना है। और वो भी गुलाबी रंग का सब, ऐसे लग रहा है लड़कियों के लिए है। अरे अब क्या करे, मेरी बीवी ना थोड़ी ऐसी है, पता नहीं उसे क्या सोचता रहता है सारा दिन। अरे कोई नहीं भाई, अब तू क्या कर सकता है इसमें। वो मैंने सोचा आप सबको ऐसा सजा दजा सब कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने। जब तुम्हारा दिमाग है ही नहीं तो चलाने का क्या मतलब है, हा? बताओ, खामखा सबके सामने मुझे शर्मिंदा करती रहती हो। अरे अब छोड़ ना, हो जाती है गलती, जाने दे। अरे तुम दोनों को पता नहीं है, जब से शादी हुई है ना जान ही दे रहा हूँ सब कुछ, यही सोच के कि मेरी पत्नी है, जाने दो जाने दो। लेकिन ये है कि कुछ समझती नहीं, बस अपनी समझ से काम लेती रहती है। पत्नी का काम है पति की सुनना और जैसा वो कहे वैसा ही करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से मुझसे पूछे बिना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? जी। और ये नाश्ता इतना ठंडा हो गया है, इसे फिर से गर्म करके ले आओ, जाओ। जी चला जा, बैठ जा, तूने बहुत सही किया, बहुत कंट्रोल में है भाभी तेरे। हमारी बीवियां भी हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। और क्या, बीवियों का काम ही पतियों की सुनना है। दिव्या की लाख कोशिशों के बाद भी आकाश और कावेरी हमेशा ही दिव्या को ही गलत ठहराते, उसे कभी वो इज्जत नहीं देते जो एक बहू को मिलनी चाहिए अपने ससुराल में। लेकिन दिव्या चुपचाप सब कुछ सहती और अकेले जाकर कमरे में रोकर अपना दिल हल्का कर लेती। 2 साल हो गए हैं लेकिन आज भी इस घर में मैं वो इज्जत नहीं कमा पाई हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे भी बुरा लगता है जब ये लोग मुझे सुनाते हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा मेरी। माँ को कहती हूँ, उन्हें सब बताती हूँ। हेलो दिव्या, कैसी है बेटा तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यहाँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ मेरी शादी को 2 साल हो गए लेकिन आज भी इस घर में मुझे वो इज्जत नहीं मिली। मैं जो भी काम करती हूँ आकाश और माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो जब देखो मुझे सुनाते रहते। माँ मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा नहीं कहते दिव्या, ऐसा तो हर घर में होता रहता है बेटा। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब जैसे भी है तो तेरे पति और सास ही ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं माँ, 2 साल हो गए अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ, मुझे घुटन होती है यहाँ। दिव्या औरतों को ये सब सहना ही पड़ता है बेटा, देख रोना बंद कर। और तू गलतियाँ काम करेंगी तो वो भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, हैं? बंद कर रोना, जा काम पर लग जा, ये सब तो सबके घर में होता ही रहता है। दिव्या की बात को और उसके मन को समझने वाला कोई भी नहीं था, ना उसके ससुराल वाले और ना ही उसके मायके वाले। और इन सब के बीच उसकी बड़ी ननद जो विदेश में रहती थी उसके आने की खबर मिलती है,
जिसे सुनकर दिव्या और ज्यादा घबरा जाती है। सुन दिव्या, कल तेरी ननद नताशा आ रही है। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना उस वक्त, इसलिए वो इस बार पूरा एक महीना रुकेगी। और हाँ, उसके सामने ना ये हरकतें मत करना। पता है कनाडा में रहती है वो, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी की, मैं अच्छे से खातिरदारी करूं। बोलती तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी वही की वही रहती है। आज ही सब कुछ तैयारी कर ले, कल को क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कल मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। नताशा के आने की खबर से दिव्या और ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो पहले ही आकाश और कावेरी के ताने सुन रही थी। ऐसे में अगर उसकी ननद ने भी उसे पसंद नहीं किया तो? ये सब सोच कर ही उसे बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए सुबह वो जल्दी उठ गई थी और उसने बहुत कुछ तैयार कर लिया था। अरे इतना सब बनाया है? जी, मुझे पता नहीं ना दीदी को क्या क्या पसंद है, तो मैंने सब कुछ ही बना दिया। ठीक है, अब बस नताशा को तेरे हाथ का खाना पसंद भी आए। ये लो, मैं ले आया दीदी को। माँ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ बेटा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। दिव्या तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आइए ना बैठिए। हाँ आ जाओ, तुम भी बैठो, आओ। अरे इसे काम है दीदी, ये नहीं बैठेगी। जाओ तुम दीदी के लिए पानी लेकर आओ। हाँ और जाओ खाना लगा दो, और ठीक से लगाना। हाँ चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे तू बैठ बेटा, ये कर लेगी ना, इसका काम है तो खुद ही करेगी। हाँ दीदी तुम जाओ खाना लगा दो। नताशा को अपने माँ और भाई का बर्ताव अजीब सा लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। और इस तरफ दिव्या ने नताशा के लिए बहुत कुछ तैयार किया था। दिव्या तुमने इतना सब बनाया है? हाँ दीदी, मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद है, तो मैंने आपके लिए सब कुछ बना दिया। आप खाकर देखिए ना आपको कैसा लग रहा है। हाँ हाँ खाकर देखेगी ही, वैसे ना ये इतना खास तो बनाती नहीं, लेकिन अब जो है सो है। हाँ दीदी सब में गड़बड़ करती रहती है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। आप चक्कर कहिए ना। क्या बात कर रहे हैं आप दोनों, ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा खाना तो मैं खुद भी नहीं बना सकती। दिव्या तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच में मुझे तो मजा आ गया। तुम्हें पता है माँ को तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें पता है कभी कच्चा तो कभी पका हुआ बना देती थी, पर तुमने तो जबरदस्त खाना बनाया है। थैंक यू दीदी। और तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो हमारे साथ खाना खाओ। अरे नहीं नहीं उसे रसोई में काम है बेटा, वो पूरा करके खा लेगी। हाँ और मेरे लिए गरम रोटी लेकर आओ, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। जी बस अभी लाई। नताशा ने अपने भाई और माँ को समझ लिया था कि वो दिव्या के साथ कितना गलत बर्ताव कर रहे थे, पर नताशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। दिव्या तुम अंदर हो, मैं आ जाऊँ कमरे में। अरे हाँ दीदी आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत, आपको कुछ चाहिए था, कुछ लिया हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कनाडा से गिफ्ट लाई थी, बस वही देने आई थी। गिफ्ट मेरे लिए? दीदी आप गिफ्ट लेकर आई? अरे अरे क्या हुआ दिव्या, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, दो सालों में इस घर में आज पहली बार कोई मेरे लिए कुछ लाया, ये देखकर मन भर आया। अरे दिव्या तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। आपसे तो कुछ छुपाई नहीं है दीदी, इस घर में मैं अभी तक वो इज्जत नहीं कमा पाई जो एक बहू की होती है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है दिव्या, तुम जैसी लड़की नसीब से मिलती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। थैंक यू दीदी, आपके आने से पहले तो मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझसे नाराज ना हो, लेकिन आप तो ननद के रूप में बहन निकली। अब तुम्हारी ये बहन आ गई है ना, अब देखो मैं सब कुछ कैसे ठीक करती हूँ। नताशा ने दिव्या को प्यार दिया जिसके लिए वो कब से तरस रही थी, लेकिन अब भी उसके पति और सास को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दिव्या दिव्या कहाँ हो, जल्दी करो कुछ अच्छा सा बना दो, मेरे दोस्त आए हैं। जी बस मैं अभी बना देती हूँ। तेरे दोस्त आ रहे हैं तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना दिव्या को। अरे इसमें बताना क्या है दीदी, पत्नी है मेरी, मेरे दोस्तों का ख्याल नहीं रख सकती क्या? अच्छा तो तेरे दोस्त की पत्नियों ने तुझे कितनी बार बुलाया खाने पे? वो मैं। नमस्ते दीदी कैसी हैं आप? नमस्ते मैं ठीक हूँ। सुनील आज तुम्हारी पत्नी को फोन करो, हम सब आज तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है? मेरे घर? नहीं नहीं नहीं, रिया अभी सो रही होगी। सो रही होगी तो उठा देना यार। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं उठा सकता,
अरे कोई बात नहीं, मैं फोन लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, फोन मत लगाइए। उसे पता चला कि मैं दोस्तों को ला रहा हूँ तो पता नहीं क्या करेगी, मुझे ही घर से निकाल देगी। और एक दिव्या है जो अपने पति के दोस्तों के लिए इतना सब तैयार करती है, जिसके बदले में उससे इज्जत भी नहीं मिलती। आकाश, आजकल की लड़कियां, अगर तुम उनसे ऊंची आवाज में बात करो ना तो पलट कर जवाब दे देती है। और दिव्या, तुम्हें कभी नजर उठाकर देखती भी नहीं। ऐसी बीवी की तुम इज्जत नहीं करते? और माँ, तुम याद है आकाश को कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था? उस वक्त तो तुम बहू के लिए तरस रही थी, और अब दिव्या जैसी इतनी प्यारी लड़की को तुम ऐसे ट्रीट करती हो। तुम दोनों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि दिव्या ने आज तक किसी से कुछ कहा नहीं, नहीं तो वो चाहती ना तो सारे मोहल्ले को तुम दोनों का मेंटल टॉर्चर बता सकती थी। आपको पता है, ऐसा बर्ताव अगर आप दोनों ने कनाडा में किया होता तो अभी तक जेल जा चुके होते। एक औरत के लिए ससुराल में इज्जत और प्यार ही सब कुछ होता है, और उसे कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। ये लीजिए, मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बना दिए हैं। अब रहने दो दिव्या, मत दो उन्हें, उनकी बीविया बना कर खिलाएगी उन्हें। हाँ भाभी, हम चलते हैं। आओ दिव्या, यहाँ बैठो, हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ बहू, आ जा, हम सब आज साथ मिलकर अपनी प्यारी बहू के साथ खाना खाएंगे, और आज मैं खुद सबके लिए हलवा बनाऊंगी। वैसे दिव्या, एक बात बताऊं, माना हलवा बहुत बुरा बनाती है।